अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मटर गोश्त की रेसिपी। उसके लिए मैं यहाँ पे 3 पाव गोश्त यूज़ कर रही हूँ। ये बीफ का गोश्त है, 1.5 किलो मटर, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई हल्दी एंड 1/2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 10 अदद हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 पाव प्याज एंड 1/2 मग ऑफ कुकिंग ऑयल। प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले ऐड करूँगी, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुरख मिर्च, हल्दी और साथ ही नमक। फ्लेम मैंने इसके नीचे हाई रखनी है। एक कप हम इसे इसमें पानी ऐड करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसका प्रेशर लगा दूँगी। 10 मिनट का मैंने इसे प्रेशर लगाया था। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है हाई फ्लेम पे। पहले मैं पानी को ड्राई कर लूँगी। गोश्त में जो पानी था उसे हमने थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और न्यू अपडेट्स मिलती रहें। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद गोश्त को मैंने अच्छे से भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे लगातार। अब मैं इसके अंदर मटर ऐड कर दूंगी। मटर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं भून लूंगी पहले से थोड़ी देर के लिए, फिर हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे जितनी हमने ग्रेवी रखनी है। फ्लेम इसके नीचे मैंने मीडियम कर दी है। 5 मिनट मैंने इसे लगातार मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। हाफ जग और इसे अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसका प्रेशर लगा दूंगी मटर को गलाने के लिए। 10 मिनट का मैंने इसे प्रेशर लगाया था। फ्लेम मैंने इसके नीचे बंद कर दी है। ये देखें लाइट सी इसकी ग्रेवी हो गई है। मटर गोश्त की रेसिपी बन के तैयार है। अब मैं इसके ऊपर कसूरी सूखी मेथी ऐड करूंगी खुशबू के लिए और फ़ौरन से हम इसे कवर कर देंगे। मज़ेदार मटर गोश्त की रेसिपी बन के तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और फिर मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।